ये देखिए दोस्तों, इतना बड़ा गाड़ी, ये बहुत ही पुराना गाड़ी है जो कि अभी यहाँ पर स्टॉक में सिर्फ बैठा हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घुमाने ले जाऊंगा मेरा वर्किंग साइट जहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पर आज हम लोग घूमने चलेंगे और उस जगह को दिखाएंगे आपको। ये देखिए, यहाँ ये जो जगह है दोस्तों, ये हमारा वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप में बहुत हैवी हैवी मशीन लगाया काम होता है। आइए देखते हैं दोस्तों। ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं इस वर्कशॉप में, ये जो मशीन है, ये मशीन का नाम है ड्रिल मशीन। इसमें बहुत मोटा सा बीट लगाया है। आइए आगे दिखा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा ड्रिल मशीन है, जिससे कि आप लोग अगर नहीं बच के रहे तो आप लोग कर दिया जाएगा। ये देखिए कितना मोटा सा बीट लगा है। दोस्तों, पूरा वर्षों का व्यू कुछ इस तरह से है। ये देखिए गाइस, इसको बोला जाता है आई बीम। इस आई बीम से पूरे फाउंडेशन को रेडी किया जाता है ऊपर तक। देख कितना हाइट है इसको। ऊपर में जो ये ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये है एक क्रेन होता है। ये पूरा टोटल एक क्रेन सिस्टम के लिए बनाया गया है, जो ऑरेंज वाला है। आगे में देखिए कितना बड़ा सा क्रेन है। बाहर चलते हैं दोस्तों, बाहर का व्यू दिखा। वर्कशॉप का पूरा फुल वीडियो अभी बाहर चलते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए दोस्तों, बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, इसका कुछ साइड प्रोफाइल और साइड व्यू जो कैसा है, उसके बाद आगे भी चल के हम लोग देखेंगे सामने से कैसा है। ये मशीन को देखिए आप लोग, यहाँ पर कोई हाइड्रोलिक नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर टोटल मैकेनिकल प्रोसेस से मशीन वगैरह चलते थे, पहले काम करते थे। अंदर में देखिए ड्राइवर का जो जगह है, कितना सारा, कितना बड़ा जगह है देखिए। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं एक मॉडल के सामने। ये एक पुराना गाड़ी है जो कि इसे सोबेल मशीन के नाम से बोला जाता है। कितना बड़ा बड़ा देखिए, कैसे मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है, कुछ गियर वगैरह हैं यहाँ पर। ये जो है हमारा बहुत पुराने जमाने, अंग्रेजों के समय से ये मशीन जो है पहले इसे वर्क करते थे। पूरा मैकेनिकल प्रोसेस, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल प्रोसेस नहीं, कुछ नहीं, बस इसमें मैकेनिकल प्रोसेस से ही गाड़ी में चलता था, काम करता था। मिट्टी कैसे खोदना है, कैसे निकलना है, ये सब चीज़ चलता था। आइए आगे मिलते हैं। ये देखिए इसका जो बीम वगैरह है, कैसे यहाँ पर जो अभी के मशीनों में हाइड्रोलिक लगता है, लेकिन अंदर में देखिए कितना बड़ा लग रहा है। तीन आदमी इसको चलाएं, तीन, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसका। कैसे मैकेनिकल प्रोसेस ही चलता था, इसको सिर्फ आजकल एक मॉडल के लिए ही रखा गया है, इसको लोगों को देखने के लिए कि पहले मशीन ऐसे चलते थे। और इसके साइड से कुछ है, ये है, और इसके बगल में जो है एक ड्रिल मशीन भी है, ये भी पूरा मैकेनिकल प्रोसेस से ही चलता था। इसको भी देख लीजिए सामने। इधर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घूम लिया दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग प्लांट के साइड में चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट के साइड में हम लोग आ गए हैं अभी। ये देखिए यहाँ पर जो है मशीन वगैरह है, ये मशीन सब जो है इनके थ्रू से मोटर को स्टार्ट किया जाता है। कितना बड़ा बड़ा मोटर है देखिए, हम लोगों से भी ऊँचा ऊँचा मोटर है यहाँ पर। बस यहाँ पर काम कैसे होता है वो चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं कि काम यहाँ पर कैसे होता है। यहाँ पर इस प्रकार से काम होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल काम, इलेक्ट्रिकल वाला काम ऐसे होता है। इस प्रकार से प्रोसेफ्टी को ध्यान में रख के काम किया जाता है। और इधर जो है डीजी वाला काम हो रहा है, देखिए डीजी में कैसे क्या है। ये देखिए हेड इलेक्ट्रिक जो 600 केवी है, डीजी का कनेक्शन कर रहे हैं। इसका कनेक्शन के बाद पूरा प्लांट चलेगा। अब सब वर्कर लोग इंतजार में हैं, कभी कनेक्शन करके रेडी करेगा तो प्लांट चलेगा। इसका चलते कितना लेबर भूखे हैं, जल्दी करेगा। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा माइनिंग साइड। माइनिंग साइड के जगह भी आप लोगों को दिखा देंगे कि माइनिंग साइड में कैसा है। हाँ तो दोस्तों, अभी जो है हम लोग ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जगह है इंजीनियर्स रूम है। यहाँ पर जो है इंजीनियर लोग जितने हैं यहाँ पर बैठते हैं, और इसे आगे कोई कोई इंचार्ज वगैरह भी बैठते हैं। यहाँ का सिस्टम देखिए कैसा है, माइंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काम भी यहाँ पर हो जाता है।
दोस्तों आप लोगों ने जो 4-5 मिनट का वीडियो देखा, इसको मैंने करीब करीब 3-4 दिनों में रिकॉर्ड किया है। और ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रियल चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।